सर मैडम नहीं आई। होटल में सबको मालूम है सर, संपदा मैडम की स्पेशल चाय, इलायची ज्यादा और शक्कर कम। हाँ संदीप। सर अभी टिप्पर से इन्फॉर्मेशन मिली है, मंगलदास मॉल में बॉम्ब है। मंगलदास मॉल, वहां तो कल्याणी बच्चे के साथ है। सॉरी यहाँ पिल्लू, वो आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी ना इसलिए। अच्छा अभी हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे, ठीक है? बताओ ये वाला कैसा है? नहीं देखो अभी ना, फिर अभी जब नामकरण होगा तो फिर आइटम भी सेम कपड़े पहनेंगे और फिर तुम भी सेम कपड़े पहनना, ठीक है? हाँ अच्छा, और फिर देखो ये वाला भी है ना। अच्छा ठीक है, चलो हम ना कुछ और देखते हैं। हाँ क्या चाहिए पिल्लू को? हाँ बेबी कैरियर। कौन सा वाला अच्छा है पिल्लू? ये वाला? तुझे ये अच्छा लगा? मुझे नहीं पसंद ये वाला। दूसरा देखे। प्लीज 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 हम लोग। हाँ ये वाला अच्छा है ना, ब्लू ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, ये वाला लेते हैं, ठीक है पिल्लू? लाइए दीजिए मैम। ओके मैम। थैंक यू। कैसा है? अच्छा है ना? आटम बम 2 घंटे हो गए इनके। हाँ मलार जी बोलिए। हेलो हेलो मलार जी, ये कल्याणी फोन क्यों काट रही है? ओह गॉड, बैटरी को भी अभी खत्म होना था क्या? यार पिल्लू अब मलार जी से फिर से डांट सुननी पड़ेगी। तुम अपना फोन चार्ज नहीं कर सकती थी घर से निकलने से पहले? कितनी रिस्पॉन्सिबल हो तुम कल्याणी, ये वो। दिमाग खराब हो गया क्या इस लड़की का? फोन से जॉब कर दिया, पता नहीं इतनी हरकतों से कब बाज आएगी। ओके कॉपी। सर बॉम्ब स्क्वाड वाले मंगलदास मॉल के लिए निकल चुके हैं। आप लोग सब मेरे पीछे आइए जल्दी। ये सारा सामान निकालकर बाहर फेंको। पता यहां से चलो। पता नहीं मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मलार यहीं कहीं। चलो अथर्व, मेरा बच्चा भी यही है, मुझे सिर्फ एक बार उसे निकालो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारे इस पागलपन में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मुझे फंसना नहीं है, तुम्हें करना है तुम करो। चलो अथर्व। बहु मंगलदास मोहन जी बैठिए, चलिए जल्दी चलिए। जी जीप हुई तो क्या हुआ? अरे अपने पास भी तो अपनी गाड़ी है ना। भैया ये और कितना दूर है मॉल? 15 मिनट और लगेंगे मैडम। 15 मिनट? जी चलिए चलिए जल्दी चलिए। हाँ पता नहीं इतनी घबराहट क्यों हो रही है कल्याणी को लेकर, अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। और पिल्लू तू तो दिन ब दिन भारी होता जा रहा है यार, तुझे भी ना मुझे डाइटिंग करवानी पड़ेगी। और जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो मैं भी तुझे ऐसे एक कैरियर बैग ला के दूंगी और उसमें मैं बैठूंगी और तू मुझे शॉपिंग लेकर आना। लेकर आएगा ना?
पलटन है यहाँ। आज तो पिल्लू का नाम भी फाइनल हो जाएगा शाम तक। और हाँ, तू ना टेंशन मत ले, मैं एटम बम को ना तेरा कोई ओल्ड फैशन नाम नहीं रखने दूंगी। हाँ पिल्लू, पता नहीं एटम बॉम्ब ने क्यों फोन किया था, अब देखना वापस डांट पड़ेगी। तुम फोन चार्ज नहीं कर सकती थी, ये नहीं कर सकती। पिल्लू सॉरी, ओह गॉड, इस बेबी कैरियर के साथ चलने की तो आदत डालनी पड़ेगी, कुछ दिखता ही नहीं है आजू बाजू में क्या है। सॉरी, चलो यहाँ से। बस एक बार चलिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, सब लोग पीछे। शब्बात, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है, कोई मल्हार को शक तो नहीं हो गया। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर बॉम्ब है, प्लीज माइक दीजिए, कोई भी किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए, यहाँ पे बॉम्ब हो सकता है। चलो संपू, चलो मेरा बच्चा संपदा, चलो यहाँ से। जरूरत नहीं है, सबकी तलाशी लेनी बहुत जरूरी है, आप लोग कोऑपरेट कीजिए प्लीज। भागे मत और सब लोग एक तरफ हो जाइए। संपदा यहीं खड़ी रहो, हिलना मत। देखिए, आपकी सहायता के लिए पुलिस वाले और बॉम्ब स्क्वाड वाले साथ में हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सबकी तलाशी लेनी बहुत जरूरी है, आप लोग कोऑपरेट कीजिए प्लीज। संपदा हमें यहाँ से निकलना होगा, हम यहाँ ऐसे नहीं मर सकते। संपदा चलो, बॉम्ब यहां है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? तो बॉम्ब है ना, मेरे पास कैसे हो सकता है? आपकी मशीन। अरे रुक जाइए, घबराइए मत, प्लीज रुक जाइए। हेलो, हाँ संदीप, क्या स्टेटस है? सर, बॉम्ब का पता चल चुका है, यहाँ एक बच्चे को कैरियर में लेकर एक लड़की खड़ी है, उस बच्चे के कैरियर के अंदर बॉम्ब है। बच्चा? जी सर। सबको मॉल से बाहर निकालो अभी के अभी, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर। हे भगवान, मेरे बच्चे की जान को कुछ मत होने देना। Ah!
मैम रिलैक्स। अथर, मेरे बच्चे पे बॉम्ब लगा हुआ है, मैं ऐसे नहीं जा सकती। अथर मैडम रिलैक्स, आप लाइए जल्दी। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। पिल्लू शांत हो जा। पिल्लू कुछ नहीं होगा हमें। पिल्लू कुछ नहीं होगा हमें। अब प्लीज कुछ करिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुको 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 रुको, आगे नहीं जा सकते, रुको। ये क्या है, क्या हुआ है आगे? आगे मंगलदास मॉल में बम मिला है, आप आगे नहीं जा सकती। बम? जी। मंगलदास मॉल में तो कल्याणी और पिल्लू, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा कल्याणी को। अरे मैम बोला ना आगे रास्ता बंद है, आगे नहीं जा सकती। देखिए मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। नहीं आप आगे नहीं जा सकती, चलिए। ए, चलो हटो, पीछे हटो, चलो चलो चलिए। ए, क्या कर रहा है, देखना इसे। अरे क्या बोले इसको यार, लाइसेंस दिखाओ। अरे मैडम चलिए सब लोग लाइन में आइए, लाइन लगाइए सब लोग, तलाशी करवाइए और एक-एक करके मॉल से बाहर निकलना शुरू कीजिए। सबकी तलाशी लेनी है हमें। बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती है। पता नहीं, अटक मत करो, सबके सामने चलो यहाँ से। ऊपर मैम हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, प्लीज वेट कीजिए। मैडम ये बच्चा ऐसे ही हिलता रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे। संपदा चलो यहाँ से। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम पता है ये लड़की तो पागल है, तुम पागलपन मत करो, चलो। मैडम रिलैक्स मैम। आप मेरी बात।
संभाल के माता जी, अब जल्दी निकले यहाँ से। तुम शांत जाओ, ये बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले बच्चे को निकाल देंगे। ये लोग कहाँ निकाल रहे हैं पिल्लू को? मलार जी मैं कब से कह रही हूँ, मलार जी प्लीज प्लीज आप कहिए ना इससे पिल्लू को निकालो ना। ये सही कह रही है, बच्चे को निकालिए पहले। ठीक है हम बच्चा निकालते हैं, लेकिन बच्चे के वेट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सामान इसमें डालना होगा ताकि वेट का प्रेशर बना रहे। कहाँ है आपका सामान? जल्दी लेकर आइए जल्दी से। तुम घबरा मत कल्याण, रुक आराम से रुको। देखिए प्लीज आराम से, इस पिल्लू को दर्द नहीं हो रहा। इसको अभी के अभी आप कांस्टेबल संदीप गाटोने के पास लेके जाइए, समझी? जल्दी से। ये इतनी तेज क्यों बीप कर रहा है? सर आई एम सॉरी, वेट के मिसमैच की वजह से बॉम्ब दुगनी गति से चल रहा है। सर सिर्फ 3.5 मिनट है हमारे पास। सर क्या आपको पता नहीं था क्या इसमें कितना वेट डालना है? सर फिलहाल इतना वक्त नहीं है, सिर्फ 3 मिनट है हमारे पास। सर मैं तो पति मारी गई थी जब मैं अपने बच्चे को छोड़कर तुम्हारे साथ चली आई। मुझे तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। अरे शप्पा, मेरी बातों में आने के लिए दूध पीती बच्ची थी क्या तुम? तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से आई थी संपदा, मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। हाँ और क्या हुआ, जिंदगी ने दो ठोकरे क्या मारी, प्यार अगली खिड़की से बाहर चला गया? अपने बच्चे को अकेला छोड़ के आने का फैसला तुम्हारा अपना था, ये इल्जाम मुझ पे मत लगाना संपदा। हाँ हाँ गलती मेरी थी, मैं ही बुरी थी, इसलिए आज भगवान मुझे ये दिन दिखा रहा। मैं भी क्या करती। अरे संपू छोड़ो इन सब बातों को। अरे तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमने एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई थी ना संपत। हाँ तो जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी दुख तकलीफें तो आती रहेंगी संपू, हमें तो शुक्र ये मनाना चाहिए कि आज मल्हार ने हमें पहचाना नहीं। बाल बाल बच्चे हैं संपू। लेकिन मल्हार ने मेरे बच्चे को कल्याणी के हाथों सौंप दिया। वो लड़की तो अपना ख्याल नहीं रख सकती, मेरे बच्चे का ख्याल कैसे रख सकती है? और तुमने देखा नहीं, किसी ने बच्चे के कैरियर पे बॉम्ब लगा दिया था और उस बेवकूफ कल्याणी को पता तक नहीं चला। पता नहीं क्यों मल्हार ने मेरे बच्चे को उस कल्याणी के हाथों सौंप दिया। बाहर में गया मल्हार, बाहर में गई कल्याणी। बाहर में गया तुम्हारा बच्चा, जिंदा रहना है ना तो इस दुनिया की नजरों में मरे रहना पड़ेगा। एक बात ध्यान से सुनो संपदा, गलती से भी मल्हार को ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम दोनों अभी तक जिंदा हैं। ये बात अपने दिमाग में भर लो संपदा। कल्याणी मैडम अंदर ही है, बच्चे का जो कैरियर उनके ऊपर बंधा हुआ है बॉम्ब उसी में है। बच्चे को तो किसी तरह हम बाहर ले आए, लेकिन बॉम्ब स्क्वाड वाले बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर भी अंदर हैं। कल्याणी पिल्लू को पकड़ी। हाँ कल्याणी को अंदर नहीं जाती। आप अंदर नहीं जा सकती भाई, आप अंदर नहीं जा सकती। देखिए मुझे जाने दीजिए, कल्याणी अकेली है अंदर, मेरा जाना बहुत। नहीं भाई आप अंदर नहीं जा सकती।
मैं कल्याणी को तुरंत बाहर लेके आऊंगी। हाँ मुझे जाने दीजिए। अरे माई, मैंने कहा ना आप अंदर नहीं जा सकती।